दिवाली वैसे तो खुशियों का त्योहार कही जाती है, पर जब लोगों को बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों से चाइनीज लाइट खरीदते देखते हैं, तो समझ आता है कि दिवाली केवल अमीरों की होती है। अब जल्द ही दिवाली आने वाली है, हर तरफ रंगों, दियों, लाइट्स की दुकानें लगनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या आपने कभी रोड के किनारे दिए बेचते हुए उन गरीबों पर ध्यान दिया है, जो सुबह से शाम तक केवल एक दिए की बिक्री के लिए रोड किनारे बैठकर पसीना बहाते हैं? हम दिवाली की शॉपिंग के लिए निकलते तो हैं, लेकिन खरीद कर विदेशों का सामान लाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम ही अपने देश में बना सामान नहीं खरीदेंगे, तो फिर कौन खरीदेगा? बच्चे केवल आपके घर में नहीं, उस रोड साइड बैठकर दिए बेचने वाले के घर में भी हैं। इसलिए याद रहे कि दिवाली का मतलब केवल अच्छे कपड़े पहनना और मिठाई खाना नहीं होता। दिवाली का असली मतलब होता है खुश रहना और खुशियां बांटना। सामान उसी से खरीदें जो खुद भी दिवाली मनाता हो, ताकि वो भी अपनी दिवाली हंसी खुशी मना सके। हमें ध्यान देना होगा कि कहीं रंग बिरंगी लाइट्स और चाइनीज लड़ियां गरीबों के घरों में अंधेरा ना कर दे इस दिवाली। इसलिए ध्यान रहे, दिवाली केवल आपकी नहीं, इनकी भी हैप्पी हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करें।